हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज जायका। दोस्तों, डोसा खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन डोसा बनने में इतना टाइम लगता है कि हम उसे बनाने में अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये इंस्टेंट चटनी और इंस्टेंट डोसे की ऐसी रेसिपी जिसे हम आज सूजी से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप बारीक सूजी, जिससे हम हलवा बनाते हैं। इसे मैं एक ग्राइंडर में शिफ्ट कर लूँगी। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून आटा, ये गेहूं का नॉर्मल आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। अब इसे ग्राइंड करके इस तरीके से बारीक पीस लूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा दरदरा रहेगा क्योंकि इसमें सूजी है, सूजी अच्छी तरह पिसती नहीं है। इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दही का लिया है, ये फ्रेश दही है और रूम टेम्परेचर का दही है। इसी कप में मैं थोड़ा सा पानी लेके इसे धो के इसमें डाल दूंगी। डोसे का बैटर थोड़ा सा पतला होता है दोस्तों, तो इसे सूजी भी पानी भी बहुत पीती है, तो हम अच्छे से पानी डाल के इसे रेस्ट कराना है हमें। ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। और अभी इसे 20 मिनट्स के लिए मैं रेस्ट करने के लिए रखूँगी। कवर कर दें एक प्लेट से और 20 मिनट के लिए रख दें अलग। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, मैं कोकोनट की चटनी बना लेती हूँ। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर लिया है और ये भुने हुए चने हैं। इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्च और फ्रेश कर्ड। 2 चम्मच मैंने कर्ड लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी पीस लें आप। और 1/4 चम्मच नमक डाल दें। ये देखिए, पीस के बिल्कुल रेडी कर लिए चटनी। बहुत ईजी है बनना। तो इसमें मैं डालूँगी तड़के के लिए थोड़ा सा तेल और राई। राई को चटका लें और इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल दें। आपको आप चाहिए तो इसमें डाल सकते हैं कड़ी पत्ता भी। ये देखिए, चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। दोस्तों, खा के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ये हमने नॉर्मल पाउडर की चटनी बनाई है। और ये देखिए, बैटर भी अच्छे से थिक हो गया है। तो अब मैं इसमें पानी मिला के थोड़ा सा पतला कर लूँगी और इसमें डालूँगी 1 पाउच इनो का। आपके पास इनो ना हो तो आप मीठा सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेट देना ज़रूरी है। हम पहले के जो डोसे बनते हैं चावल से, उसे भी तो 2-3 घंटे के लिए रखते हैं ना दोस्तों, लेकिन उसमें फॉर्मेट इसी तरीके से होता है। तो अब मैं एक यहाँ पे तवा ले रही हूँ, यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया मैंने, और इस बैटर को मैं इस तरीके से डोसे के जैसे फैला लूँगी। आपके पास में अगर नॉन स्टिक ना हो तो आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं। उस पर थोड़ा सा तेल आपको यूज़ करना होगा और पानी को स्प्रिंकल करके उसको ठंडा करके ही डोसे फैलाएँ आप। तो ये देखिए, डोसा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल क्रिस्पी सा सिक गया है ब्राउन। और मैंने इसको लो फ्लेम पे ही सेका था। बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आया है इसमें, एक बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है दोस्तों। इसे देख के और खा के बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि ये हमने सूजी से बनाया है। तो आप भी इसे ट्राई करें अपने घर पर, इंस्टेंट चटनी और डोसे को। अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपने अंकिता जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।